तो गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वाली वीडियो में जिसका नाम है दी पैरवर्ड गेम। यस ओह सॉरी सॉरी नीचे गिर गया, कोई बात नहीं ऊपर फिर से चढ़ लेते हैं। ओके इंट्रो ख़राब नहीं जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले 50 डेज सर्वाइव इन पैरवर्ल्ड और डे वन वाली वीडियो ये होने वाली है और डे टू वाली। अब इस पर अच्छा रिस्पॉन्स तो अगली वाली भी आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो चलो अभी सब गेम की तरह मैं इसमें भी ओपन वर्ल्ड दिया गया है। और ये क्या है, अब कोई कोई टेक्नो गेमर्स की वीडियो देख के आया होगा। तो फास्ट ट्रैवल है, अनलॉक दी फास्ट ट्रैवल। यस तो हमने फास्ट ट्रैवल अनलॉक कर लिया और ओके अभी हमें बनाना है। और मैं एक्सबॉक्स गाइस बाय द वे बता देता हूँ, मैं एक्सबॉक्स के कंट्रोलर पे उसमें थोड़ा ट्रिकी मामला रहेगा। एंड ठीक है सो देख लेते हैं अभी क्या करना है। ओके ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट है और उसी के साथ वुड वगैरह भी नीचे गिरी हुई है, पर हमें सबसे पहले वुड चाहिए। वो गिरी हुई चीज़ें हम आज भी नहीं उठाते। ठीक है तो जल्दी से हाथ मार के मतलब सीधा माइनक्राफ्ट लेवल। यस माइनक्राफ्ट के टाइप में ये गेम हम करने वाले हैं बीट। यस इसमें बीट नहीं करना है, मतलब मीन्स पोकेमॉन्स हमें पकड़ने हैं और इसमें सिंडिकेट जो जॉम्बी का रोल निभाने वाले हैं उनको हमें मारना है। तो इसमें से मुझे 5 फूड एंड सम फाइबर्स मिल गया। तो ठीक है अभी हम क्राफ्ट कर सकते हैं, पर हम अभी इसको यहाँ पे क्राफ्ट नहीं। और वेट वेट कहाँ पे जा रहे हो, रुको रुको शिट। ओके मैंने गिरी हुई वुड उठा ली है। बाय द वे कहाँ पे भागी यार वो, बहुत पसंद आई यार गाइस मुझे, मतलब वो जो कैटीवा। यस 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 टेक्नो गेमर्स की वीडियो वाले बंदे अभी कमेंट में डालेंगे टेक्नो गेमर्स ओपी। ठीक है नाउ अभी हम देख लेते। ओके यहाँ पे हमें ये पकड़ने। ओके हाँ यस क्राफ्ट तो कर लेंगे, क्राफ्ट में अभी ओके मिनट्स भी दिखा रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है गाइस कोई भी गेम की। ओके भाई साहब ये ऐसे करता है जैसे भाई कुछ मैंने मतलब बहुत बड़ा वाला कुछ कर लिया मतलब लाइक समझ रहे। ओके अभी हम पे अभी वुड क्लब बनाना है। ओके मतलब ये तो हथौड़ा है सीधी सी बात है, इसको बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा। अच्छा वो नहीं दिखा रहा गाइस पे, पर ठीक है जो टाइम लिमिट दिखा रहा है वो तो समझ में आ ही रहा है। ओके सेव कर लेते हैं। ओके अभी हमारे पास आ चुका है मतलब इसके बाद हम ओके देख लेता हूँ। ओके एक वुड एंड फिर सेकेंड एंड फिर थर्ड वुड एंड फिर लॉट्स ऑफ वुड हम अभी यहाँ से कलेक्ट करने वाले हैं। और बहुत दिनों बाद वीडियो आई है इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड को इग्नोर कर देना एंड वीडियो की तरफ ध्यान दे देना। तो पार्टी और फिर हाँ यस टेक्नोलॉजी में हमें अनलॉक करना है पैल बॉक्स और भाई बहुत सारी चीज़ें पैल स्पीयर। ओके जो पोकेमॉन बॉल है हम उसे भी ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पैल डेक। ओके कुछ तो ओपन हुआ था। ओके वो था पैल डेक आई थिंक सो, यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑप्शंस में जाके सर्वाइवल गाइड देखना। ओके वो टास्क भी हमने कम्प्लीट किया, सारे टास्क हम गेम वालों के कर ही देते हैं पर उसके बाद उसका कुछ उपयोग होता ही नहीं। और सो गाइस वुड्स तो कलेक्ट करनी है और हमें इतना पोकेमॉन बहुत ओपी वाला बॉस पोकेमॉन हमें पकड़ना है और इसमें हमारा लेवल 2 अभी भी लेवल 2 है। ठीक है लेवल करना है हमें, आपको तो पता है गाइस लेवल 100 तक भी जा सकते हैं। तो लेट्स गो गाइस अभी सब बातचीत बंद कर देते हैं, उससे पहले स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं अभी स्टोन में बहुत टाइम लगेगा बट उससे पहले एक हाँ एक बात कह गया, एक हमें पोकेमॉन पकड़ना है जो भाई आइस वाला होने वाला है क्योंकि वाटर टाइप पोकेमॉन मुझे बहुत पसंद है। और बाय द वे उड़ने वाले तो ऐसे भी दिल पे ही छा चुके और जो ट्रेंडिंग कंटेंट होता है उस पर तो हम वीडियो लाते रहते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक शेयर तो सभी यूट्यूबर्स बोलते हैं, तो मैं भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कॉमेंट करना तो मत ही भूलना। हैंड हेल्ड टॉर्च हमने बना ली है उसी के साथ, मतलब टॉर्च से रात में हमें कुछ प्रॉब्लम ना आए इसलिए ठीक है। ओके टॉर्च मशाल सॉरी इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं मशाल। ओके वो कौन सा बोल, चिकन लिकन उसको काट के खाएंगे भाई कोई बात नहीं उसमें, अब गेम में गाइस रियल लाइफ में तो शिट कौन ही मारेगा। और ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके स्टैमिना भी मेरा बहुत कम है, अब जादू देखना गाइस। और ये हो गया वैनिश, यस गाइस जादूगर जादू कर लेता है। ओके तो ये जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ क्योंकि ये पर बहुत टाइम लगने वाला है और पैल स्पीयर भी बनाना है और बहुत सारे काम करने और बाकी के यूट्यूबर की तरह मैं वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं करने वाला। ओके ये क्या मिल गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखते क्या है और हमारे हमें देखने के लिए मिलता है। ओके ये आवाज़ थोड़ा मतलब कुछ समझ रहे हो, हाँ ठीक है
हमें आगे क्या करना है उसके बारे में हमें देखना है। तो ठीक है, आगे बूढ़ा वगैरह सब कलेक्ट करेंगे, धीरे धीरे अपना गेम प्ले इम्प्रूव करते जाएंगे। सो नाउ हमें डिफरेंट टाइप्स के पोकेमॉन्स भी पकड़ने हैं और बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो बूम चलो, और ये आ चुके नीचे, ठीक है। वहाँ पे ये वाला, ये चिकन पोकेमॉन हम बिल्कुल नहीं पकड़ने वाले। मुझे तो बोला था मैंने पानी वाले टाइप का पोकेमॉन पकड़ना है और उसके उसे ढूंढना। ओ शिट, ये तो भाई उड़ने वाले पोकेमॉन के टाइप है, सॉरी पोकेमॉन के। सो गाइस, इसमें डिफरेंट टाइप्स के पोकेमॉन उड़ने वाले, रेंगने वाले और बहुत ही, और ये सारे पोकेमॉन हमें हेल्प भी करने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोकेमॉन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीज़ों में। तो ओके, आगे दो दिख रहे हैं मुझे, पकड़ूंगा। रुको रुको, तुम वही पे रुको, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आऊँगा। उससे पहले देख ले तो गाइस, ये बेस भी बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ओके, उसके भाई देखो गाइस, वहाँ पे शेडर्स भी आ रहे हैं, मतलब उसकी परछाई भी दिख रही है। ठीक है, इसको बिल्ड कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे हमें पोकेमॉन बॉल्स पकड़ने, मतलब बनाने पकड़ने के लिए। ठीक है, ओके, मेरे पास सामान नहीं लगता उसके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मिल गया यहाँ पे एक फ्री का पोकेमॉन बॉल नहीं कहते, पैल स्पीयर फिर फ्री का मिल चुका है। ओके, बस खराब हो जाएगा, मैं मार अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ओह शिट गाइस, इसको पता चल गया लगता है, आएगा साले, आ जा मार के तो दिखा, तो टच तो कर। सही में गाइस, इस पोकेमॉन को तो पकड़ना ही है कुछ भी करके। ठीक है, पर इसको पकड़ने में बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा स्किप नहीं करूंगा, नहीं सब दिखाऊंगा एकदम ट्रूली, कैसे पकड़ूंगा, क्या पकड़ूंगा, सब कुछ। पर वीडियो बहुत लंबी भी नहीं करूंगा इसकी वजह से। भाई तो निकलना पानी से, तो बाहर निकल। ये पोके भाई, ये ऐश है या फिर कोई, मतलब समझ रहे हो। ओके भाई रुक, ये किया डॉज, सालों मारने का तो आता नहीं तुमको। डॉज डॉज, मेरा और एक बॉल डॉज, क्योंकि मेरा स्टैमिना मुझे कंट्रोल करके चलना है बस। तो हमें इसको, मैं स्पीड को थोड़ा हाई कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो की टाइम टाइम मुझे ज़्यादा करवानी नहीं है। ठीक है, और जल्दी जल्दी डॉज। ओके, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये लिया, रुक और भाई रुक जाओ रुक जाओ। ओके, चार बॉल और एक मिल गया। ठीक है, इसी के साथ मारने के लिए रुक जा, डॉज डॉज और एक बार डॉज, फिर उसके बाद ओके। तो फाइनली डॉज डॉज करके हमें इनके साथ इतना स्ट्रैटेजी करके मारना है हमें इनको। रुक जा रुक जा रुक जा, एक को ही मारना पड़ेगा, क्योंकि ओ शिट शिट, दोनों को मारना बहुत ही मतलब प्रॉब्लम इसके गेम है। और उसके साथ मेरी हेल्थ बार तो ठीक है फुल है, पर जो हंगर बार है वो ओके पेड़ के पीछे छुप जा, नहीं पेड़ के पीछे छुपूंगा तो ओ शिट, जमा दिया साले ने। रुक जा तुझे तो बताऊंगा मैं, रुक जा। तेरा एक पार्टनर को लॉक कर दिया मैंने, ओके पकड़ लिया। ओ नहीं साले, बच गया तू, देखो तो पकड़ के रहूँगा। एक को तो मैंने एचपी लो करवा दी है, पर साथ ही साथ मेरी भी एचपी लो होने के, मैं बहुत कगार पे है, तो मैं अभी पैल बॉल भी नहीं बना सकता। ठीक है, मेरे पास एक ही पैल स्पीयर। तो गेम बहुत ट्रिकी हो रहा है, और मुझे उसको भी तो पकड़ना है। ओके, इससे मिल जाएगा मुझे, नहीं मिला, सेट पैल सोर क्या होती है। तो ठीक है, नाउ बेरीज कलेक्ट कर लेते, मतलब खाने के काम आएंगे, क्योंकि मेरा हंगर पार्ट भी अभी बहुत कम है। ओके यस, फुल कर लिया, कोई बात नहीं। चलो, स्टोन क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ भाई मैं, हाँ ठीक है हंगर पार्ट के लिए। ठीक है, इससे ले लेता हूँ मैं एक पैल फ्रेगमेंट, जल्दी मिल जाए मिल जाए मिल जाए, नहीं मिलेगा। ओ शिट, ये मारने पे बहुत तुला है। ठीक है गाइस, इसको मेरे को एक चांस चाहिए मारने के लिए, जिससे मैं इसको एक ईजी वे से मैं मार पाऊँगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे चढ़ना पड़ेगा, चढ़ना साले चढ़ना भाई, हाँ ठीक है चढ़ गया। ठीक है, तो गाइस फाइनली मेरे पास एक चांस आ चुका है मारने का, तो मैं मार के देखता हूँ एक बॉल। ओ शिट, पैल बॉल कहाँ पे, शिट ओके देखते गाइस पैल। ओ शिट, मैंने डाल दिया मेमोरस, क्या आ रहा है भाई, रुक ले पकड़ ले। ओके 75, और अभी ये तो फाइनली मेरे पास में 99 100। यस, तो अभी रुक रुक रुक, तेरे पार्टनर को ही भेजता हूँ मारने के लिए। अरे शिट, मैंने पैल स्पीयर फेंक दिया, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा मैं। ओके, तो बच के डॉच करके मारना साले, रुक मैं तेरी हेल्प करता हूँ। साले को मारना भी नहीं आ रहा किसको, तो वो मुझे मार रही है। रुक जा, ये इसको तो पूरा ही खत्म खत्म करूँगा। रुक जा, मार 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 मेरे पोकेमॉन, मार उसको मार। यस ओके, फाइनली उस पोकेमॉन का हमने डोरेमॉन बना ही दिया है, कोई बात नहीं। भाई ये तो राइम हो गया पोकेमॉन का डोरेमॉन। ठीक है, तो गाइस मेरे सस्ते वाले बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि बैकग्राउंड में सच मुझे भी बहुत नॉइस आ रहा है, तो सबको इग्नोर कर देना। बट नाउ लेट अस फोकस ऑन गेम। नाउ हमें क्राफ्ट करना है पैल बॉक्स, तो मैं जब भी पैल बॉक्स क्राफ्ट करके मिलता हूँ, क्योंकि वीडियो की भाई बहुत लेंथ बढ़ेगी, मैं ज़्यादा वीडियो की लेंथ बढ़ाना नहीं चाहता, और चेडिंग में मेरे को करूँगा। तो देख लो, बूम नहीं हुआ, हाँ हो गया, वही समझू मैं। ओके क्या, वॉट यहाँ पे मैं नहीं रख सकता, शिट यार ये क्या पागल बनती है, मतलब माम समझो ना। तो ठीक है, ये यहाँ पे तो रखा जा नहीं सकता, पर लेकिन यहाँ से तो हमें इसे कहीं और तो रख सकते हैं, इसलिए मुझे और एक जगह ढूंढनी पड़ेगी। और ये स्टोन तो भाई गिरे हुए, माफ कर देना,
कुछ गलत बोल दिया होगा सर, ठीक है। और इस डोरेमोन को पानी में अर्पण कर दे दे, जा पानी में जा, जा बच्चा जा। ओके, ये डोरेमोन को हमने पानी में अर्पण कर दिया है। और रुक रुक, ये पोकेमोन को पकड़ना है गाइस, पर अभी नहीं, अभी हम लेवल 3 के भी नहीं हुए अभी तक, मतलब हो गए लेवल 4 के नहीं हुए, और पोकेमोन पकड़ने चले लेवल 6 के, मतलब कुछ भी। ओ शिट, पीछे से हाथी बोल रहा है, अब मतलब हाथी की प्रजाति का है। ओ भाई, यहाँ पे तो फायर टाइप के भी पोकेमोन है, मतलब फायर टाइप के अगर हमने पोकेमोन पकड़ लिए गाइस तो हमारे पास फायर, वाटर, रॉक और भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के पोकेमोन हम पकड़ के एकदम गेम में तबाही मचाएंगे। और गाइस कमेंट में कोई नहीं बोलेगा कि तू इतने दिन कहाँ पे गायब था, तो मैं था थोड़े दिन, मतलब थोड़ी छुट्टियाँ मना रहा था समझ लो, और उसके लिए माफ़ कर देना। वीडियोस अभी कॉन्स्टेंटली 2 दिन के बाद पहली बार में आएगी, तो सो सभी यूट्यूबर की तरफ फिर से एक बार, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को बेल आइकन दबा के बिना मत जाना, लाइक तो करे बिना बिल्कुल मत जाना। और ये वीडियो में हम डे 1 का ही करने वाले हैं, डे 2 मुझे वो थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं। ओके, फ्री के बाद बहुत चीज़ें मिल रही लगता है यहाँ पे, लगता है मुझे माइनिंग करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मतलब ये जो स्टोन्स है वो है तो ठीक है। यहाँ पे भी फास्ट ट्रैवल है, वो अनलॉक कर देते हैं, मतलब क्योंकि और मुझे सच्ची में लग रहा है मेरे बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा जो ये। तो गाइस अगले बारे पार्ट में हम यहाँ पे हाउस भी बनाएंगे, पर अभी के लिए पोकेमोन को निकालूँ ना भाई, मैं अकेला क्यों काम करूँ, पोकेमोन करेगा मेरा काम, मजदूर भाई मजदूर। और समझ रहे हो इसमें मेरा मल्टीप्लेयर भी गेम प्ले आने वाला है बहुत ही जल्द, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, टाइम तो मुझे देना ही पड़ेगा आप लोगों को। इसकी फाइट में करूँगा यस, ये जो गुलाबी पोकेमोन है इसके साथ, रुक जा गुलाबी, समझ रहे हो ट्रेंड पे क्या चल रही है, इसकी वजह से गुलाबी थोड़ा, समझ रहे हो थोड़ा गेम में डिफरेंट कुछ करना चाहिए ना। अब भाई मेरे पास तो आ रही है भाई, रुक जा ए, थोड़ा दूर रहे के बहन, थोड़ा दूर रुके। ओ भाई वो तो का पागल वागल है, किसको मारना है क्या मारना है वो तो देख के तो मार साले, मेरा ही पोकेमोन क्या करूँ। और हाँ साले पूरा मत मारना, ओके उसको मैं वापस कर लेता हूँ। ओके ये 100 HP पे, और ये पोकेमोन फाइनली हमारे जेब में आ चुका है, चेस्ट भी ओपन कर लिए, उसमें गोल्ड कॉइन, ब्रेड और वुड और बेरी स्टॉप और बेरी क्या क्या मिला भाई, ब्रेड तो खाना बनता शेट एक ही बार में, शेट पोकेमोन क्या खाएंगे फिर, ठीक है मैंने पोकेमोन को भी खिला दिया और मैंने भी खा लिया है इसके साथ। ओके आगे पैलेडियम फ्रेगमेंट है, उसको बाद में लेंगे, उससे पहले उड़ते हुए पोकेमोन को भी पकड़ेंगे, पर उससे पहले फास्ट ट्रैवल अनलॉक करेंगे। सो गाइस चैनल पे बने रहना गाइस, स्किप मत करना वीडियो, थोड़ी भी लंबी बन जाए तो स्किप मत कर लेना, फास्ट ट्रैवल मैंने अनलॉक क्यों किया, फास्ट ट्रैवल करने के लिए। ओके चलो घर पर जल्दी से फिर से चलते हैं, अब थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके तो गाइस चलो फास्ट ट्रैवल करके अपने घर पर चलते हैं, और फिर सो गाइस जल्दी से फास्ट ट्रैवल कर लिया है। उससे पहले गाइस हमने वर्किंग बेंच नहीं बनाया यार, गाइस वर्किंग बेंच तो बनाना पड़ता है, उससे पहले सबसे पहले सुना गाइस वर्क बेंच बनाते हैं, पर उससे पहले एक चीज़ है गाइस जो मुझे बहुत तंग कर रही है, और वो है वो मैमोरल यस। उससे पहले जो एक वर्क बेंच बनाना है, पर उससे कैसे बनाते हैं, ठीक है वर्क बेंच बनाने के लिए मुझे लगता है बिल्ड के लिए जो मेरे कंट्रोलर पे, हाँ जो हाँ सही बटन लगा है, तो अभी इसको हम इसके आगे अपोजिट नहीं, इसके साथ लगाओ या इसके बाजू में, लेकिन इसके बाजू में लगा देते हैं क्योंकि ओके लग नहीं रहा तो उसके बाद ओके बहुत बाजू में लगा है, ठीक है हमारे टेरिटरी के बाहर नहीं जाना चाहिए कुछ भी चीज़, ठीक है। ओके और ये हो ही चुका, मैंने पोकेमोन स्पॉन करने वाला था, पर उससे पहले पोकेमोन को रख के देखते हो एक बार, और गाइस पोकेमोन को रख के ओके उसको काम पे रख के देखते हैं, मुझे काम पे रख के देखना पड़ेगा मतलब क्या सीन है उसका, कुछ नहीं रखा गया। ओके उससे पहले देख लेते क्या करना है, ठीक है हमारे टास्क कंप्लीट करने के से पहले हमें थोड़ा अपने HP वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे, स्टैमिना बढ़ाने साले का स्टैमिना ही बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद हेल्थ और फिर उसके बाद फिर से स्टैमिना। ओके मैं सबके सब इसमें डाल दूँगा क्योंकि देखते हैं अभी आगे क्या होता है, ठीक है मैं अपडेट हो चुका हूँ, गेम भी सेव हो चुका है, देखते देखते शाम भी हो चुके, मतलब कर रहे वीडियो का यही पे एंड, ज़्यादा मतलब कुछ गेम में रखते नहीं उससे पहले, ये क्या छोड़ दिया मैंने, वीडियो को एंड करना है भाई, वीडियो को एंड करना है, तो इसको निकालते पहले मैं बाहर, काम को लगा दो इसको, ये क्या काम करेगा वो भी देखेंगे। अरे आना भाई नीचे आ, काम को यस नीचे आ, और ये इसको रखा काम को, सो इसको रख दिया मैंने काम पे, ओके जा रहा है काम पे, और ये करेगा क्या, अच्छा ओ पत्थर तोड़ रहा है तो यस सही, और ये पत्थर उठा के रखेंगे लगता है, ओ यस पत्थर तो दे रहा है कोई बात नहीं। तो करते हैं गाइस वीडियो को यही पे एंड, बाय बाय मिलते हैं आपसे अगली बारी वीडियो में।